I'm back with my new video and today's topic is neat screen. तो जो ट्रेडर ट्रेडिंग मेंबर का वर्क स्टेशन स्क्रीन होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी विंडोज़ अपीयर होते हैं, जैसे कि टाइटल बार, टिकर विंडो, देन वी हैव टूल बार, मार्केट वॉच विंडो, इंक्वायरी विंडो, स्नैप कोड, ऑर्डर ट्रेड विंडो, मैसेज विंडो. सो लेट मी एक्सप्लेन ईच ऑफ देम वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज़ दी टाइटल बार. टाइटल बार में क्या होता है, हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसका नेम अपीयर होता है जो कि है नीट. ओके, देन ट्रेडिंग मेंबर नेम, द यूज़र आईडी, यूज़र टाइप, डेट, करंट टाइम, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अपीयर होती हैं, डिस्प्ले होती हैं. ठीक है, देन कम्स टिकर विंडो. टिकर विंडो में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रेड से रिलेटेड है, जो भी सिस्टम में है और जो टेक प्लेस कर रहा है, मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ट्रेड. ठीक है, देन यूज़र के पास ऑप्शन है कि वो सिलेक्ट कर सकता है सिक्योरिटीज़ जो भी अपीयर हो रही हैं टिकर में. फिर उन्हें जो भी सिक्योरिटीज़ सिलेक्ट की हैं वो ईच मार्केट टाइप की हम मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं. देन जो है हमारा राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में टिकर में क्या होता है, ऑनलाइन इंडेक्स विंडो होती है जिसमें बहुत सारे इंडेक्स अपीयर होते हैं, जैसे कि लाइक वी हैव निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, इंडिया VIX, निफ्टी 100, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो यूज़र जो है वो स्क्रॉल कर सकता है सारे इंडाइसेस और अपना जो भी उसको इंडेक्स देखना है वो रिस्पेक्टिवली वॉच कर सकता है. ठीक है, देन कम्स टूल बार. टूल बार में क्या है, हमारे डिफरेंट फंक्शनल बटन्स होते हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं माउस से हम, किस लिए, क्विक एक्सेस, ताकि हम देख सकें जो भी फंक्शंस हैं, जैसे कि है हमारा बाय ऑर्डर एंट्री, सेल ऑर्डर एंट्री, मार्केट बाय प्राइस, प्रीवियस ट्रेड, मार्केट वॉच, स्नैप कोड, ऑर्डर स्टेटस, मार्केट इंक्वायरी, ये सारे टर्म्स आपको आगे के क्वेश्चंस में, आगे के टॉपिक्स में, आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन किए जाएंगे. अभी हम सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं क्या क्या है. बेसिकली ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑनलाइन बैकअप, सप्लीमेंट्री मेन्यू, इंडेक्स इंक्वायरी, इंडेक्स ब्रॉडकास्ट एंड हेल्प. और ये जो सारे फंक्शंस हैं ये एक्सेसिबल हैं हमारे कीबोर्ड के थ्रू भी. देन कम्स मार्केट वॉच विंडो. ये क्या है, हमारा मेन एरिया ऑफ फोकस है ट्रेडिंग मेंबर का. ये स्क्रीन जो है वो अलाउ करती है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं हम सिक्योरिटीज़ को, जो भी हमारे जो भी यूज़र के स्पेसिफिक इंटरेस्ट की है. ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज़ यूज़र देखना चाहता है उन्हें देख सकता है. और ये डिस्प्ले करता है ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र ने सिलेक्ट करी होंगी सिक्योरिटीज़ उनका. ठीक है, देन कम्स इंक्वायरी विंडो. इंक्वायरी विंडो में क्या है, हमारा ये स्क्रीन जो है इनेबल करती है यूज़र को कि वो इन्फॉर्मेशन देख सके, जैसे कि मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट बाय प्राइस, प्रीवियस ट्रेड, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, एक्टिविटी लॉग, ऑर्डर स्टेटस, एंड देन वी हैव मार्केट मूवमेंट. ये सारी चीज़ें हमारी जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सिलेक्टेड सिक्योरिटी की देखी जा सकती है. ठीक है, देन कम स्नैप कोड. स्नैप कोड फीचर क्या करती है, ट्रेडिंग मेंबर को अलाउ करती है कि हम इंस्टेंटेनियस मार्केट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डिज़ायर्ड सिक्योरिटी की, जो भी हम सिक्योरिटी की देखना चाहते हैं. इसमें क्या होता है, नॉर्मली यूज़ की जाती है सिक्योरिटीज़ उन सिक्योरिटीज़ के लिए जो कि मार्केट वॉच विंडो में नहीं है, और इसमें वैसे ही इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है जैसे कि मार्केट वॉच विंडो में होती है. देन कम्स ऑर्डर ट्रेड विंडो. इसमें क्या होता है कि जो यूज़र है वो एंटर, मॉडिफाई और कैंसिल कर सकता है ऑर्डर्स, और क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है ट्रेड कैंसिलेशन की और मॉडिफिकेशन की. देन कम्स मैसेज विंडो. इसमें क्या होता है, ये एनेबल करता है यूज़र को कि वो मैसेजेस देख सकता है जो भी एक्सचेंज ने ब्रॉडकास्ट किए हैं, जैसे कि कॉरपोरेट एक्शन कोई लिया गया है, मार्केट न्यूज़, ऑक्शंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर कन्फर्मेशन के सारे मैसेजेस, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अपीयर होती है. नेम और टाइम, जब यूज़र ने लॉग इन करा, लॉग ऑफ किया, देन जो मैसेजेस हैं किसी स्पेसिफिक ट्रेडिंग मेंबर के, और ये जो सारे मैसेजेस हैं हमारे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, मतलब कि ऑर्डर वाइज आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होता, सारे मैसेजेस स्क्रीन पर विजिबल होते हैं. Thank you so much. We'll be back with my new video soon.